तो नाउ विल डू मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, ठीक है, ये कैसे हमारा इम्पल्स जनरेट होता है, साउंड वेव्स आती है, तो क्या होता है वो हम लोग शुरू से करेंगे. ये मैंने पिन्ना बनाने की कोशिश की है, कान बनाने की कोशिश की है, आई डोंट नो वॉट, चलो जैसा भी है आपको समझ आ रहा है ना, ये कान है तो ठीक है, ये कान है, ये हमने बोला एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स है, यहाँ से हमने हमने यहाँ से साउंड सुनी, ठीक है. साउंड वेव्स, वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स ही तो होती हैं, प्रेशर, ऐसे ऐसे मैकेनिकल वेव्स होती है, प्रेशर जनरेट करती है. तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने बनाया मिडल ईयर, ये तो हमारा आउटर था, ये मिडल ईयर बना दिया हमने, जहाँ पे हमारी तीन ऑसिकल्स हैं, जो कि सबसे छोटी छोटी बोन्स हैं हमारी, मैलिस इनका स्टेप्स. तो इनके थ्रू क्या होगा कि ये जो मैंने दो, ये जो है बड़ा सारा, ये है इनर ईयर, इनर ईयर, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑडिटरी पार्ट पाथवे, मतलब ऑडिटरी जो सिस्टम है वो बताऊंगी, ठीक है. एक इनर का एक और काम होता है जो कि आपको पता है, बैलेंस का काम होता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ऑडिटरी के बारे में बात करेंगे. तो ये जो है, ये क्या है, दिस इज ओवल विंडो, और ये वाली जो है हमारी राउंड विंडो है, विंडो मतलब खुली चीज़ है. तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर वेव्स यहाँ पे जाएंगी. अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो है यह है स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, ये वाला जो है यह है स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, और ये हमारा मीडिया, मीडियल रीजन, इसे हम लोग कॉकलियर डक्ट भी कह देते हैं, ठीक है. अब क्या हो रहा मैम, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये वाली स्केला वेस्टिबुलर और ये स्केला टिम्पेनाई, इन दोनों में पेरिलिम्फ होता है. क्या होता है, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ. लेकिन ये जो मीडियल वाला है, ठीक है, ये स्केला मीडिया, इसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ, यू नो अंदर अंदर है तो ऑब्वियसली एंडो सही चीज़ वाली होगी, तो एंडोलिम्फ. अब पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ हमने बोल तो दिया, इनमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क हमें बताना ही पड़ेगा. अब जो पेरिलिम्फ होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये जो पेरिलिम्फ है उसके अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन ये जो एंडोलिम्फ है इसके अंदर पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. इसका अब क्या रोल है वो हम अभी बात करते हैं. अभी इतना तो मैं समझ आ गया कि ये पेरिलिम्फ है. अब क्या होता है, यहाँ से जब आती है, ठीक है, तो ये पेरिलिम्फ जो है वो, अच्छा एक और बात, नहीं नहीं वो बाद में करेंगे, चलो यहाँ पे जो पेरिलिम्फ है, ठीक है, वो मोशन में आता है, और ये जो एपेक्स है ना इनर ईयर की, इसे हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा, ठीक है. यहाँ से ये जो स्केला, ये टिम्पेनाई है, वेस्टिबुलाई है, ये यहाँ पे आके मीट करते हैं, ये नहीं मीट करता, ये मीट करते हैं, इसीलिए हमने देखा, देखो पेरिलिम्फ ही है इन दोनों में, इन दोनों कंपार्टमेंट्स में, क्योंकि ये लोग मीट करते हैं. लेकिन ये जो है ये सेपरेट ही है, एंडोलिम्फ वाला कौन सा, ये स्केला मीडिया वाला, ठीक है. अब मैं इनर ईयर को, ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पे बनाऊंगी, हाँ, और ये वाला जो है कि हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर जहाँ पे खत्म होता है, और मिडल ईयर जहाँ पे शुरू होता है, ये हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे सबसे पहले जाती है, ठीक है. अब मैं चलो इनर ईयर बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाने की कोशिश कर ली फिर से. चलो अब यही, अच्छा जो ये हमने वो बनाया है जिसमें एंडोलिम्फ है, ये वाला स्केला मीडिया, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की मेम्ब्रेन से बना होता है, ये सराउंडेड होता है, एक होता है ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जिसे हम रीजनर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और ये नीचे वाली है इसे बेजिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब ये जो बेजिलर मेम्ब्रेन है, इस पर ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं, ये हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स, और यही जो हेयर सेल्स है ना, यही रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो हमारी जो भी कुछ आता है, मैं बता दूँ कैसे, ठीक है. जो हेयर सेल यहाँ पे, जो यहाँ से हमारी, हमने बोला वाइब्रेशन आती है, हमने बोला यहाँ से वाइब्रेशन आई, ठीक है, पेरिलिम्फ में, मतलब यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये काफ़ी इलास्टिक है, तो यहाँ से जो हमारी वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुँचाना ईजी है दैन की रीजनर मेम्ब्रेन के थ्रू. तो यहाँ से आई, यहाँ पे वाइब्रेशन हुई. तो अब क्या होता है, ये जो हेयर सेल्स हैं, अब हेयर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है. जैसे ये हेयर सेल बनाया मैंने, अब ठीक है, अब इसमें ऐसे 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 ये करके ना, स्टीरियोसीलिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटे 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 हैं कितने सारे, इसे हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, सीलिया है ना, सीलिया, बस स्टीरियोसीलिया, और ये सबसे बड़े वाले को काइनियोसीलिया बोल देते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, अब इनकी जो, ये जैसे सपोज ये हमारा, मेरा हाथ है ना, तो ये इसकी फिंगर्स है, ये जो बीच में पाम है, ये हेयर सेल है, ठीक है, ये वाला बीच वाला पार्ट, और ये जो है ये फिंगर्स हैं. अब क्या होता है कि मेरी जैसे सपोज
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ना क्या है, मेरे पोटाशियम चैनल्स लगे हुए हैं मेरे हाथ के, मतलब इसमें, ठीक है, पोटाशियम चैनल है। अब ये जो क्रीनियोसीलिया है ना, उसको ये मान लो थंब। तो अब क्या होता है कि जब ये जो सबसे बड़ा ये जो क्रीनियोसीलिया है, इसके टूवर्ड्स ये जो सेल्स हैं वो बेंड करते हैं, लाइक ऐसे, तो पोटाशियम चैनल खुल जाते हैं। ये सपोज करो ये पोटाशियम चैनल मेन जो इस इन दोनों के बीच में है, ये खुल गया, ठीक है। लेकिन जब हमने जब काइनो ये जो किनियोसिलिया है, ये स्टीरियोसिलिया के टूवर्ड्स, मतलब ये इधर की तरफ मुड़ेगा जैसे ऐसे, तो ये बंद हो गया पोटाशियम चैनल। समझ आ रही है, एक एनालॉजी टाइप्स की है, तो तुम्हें अगर समझ अच्छी लगी तो फिर ये अब खुद करके देख लो। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे अगर ये किनियोसिल इधर वाली साइड डायरेक्शन हुई है हेयर सेल की, तो फिर ये खुल गया, तो पोटेशियम चैनल खुल गए। अगर इधर वाली साइड हुई है तो ये बंद हो गए, मतलब देख लो, खुद लगा लो कुछ, ठीक है। तो अब हमने बोला कि किनियोसिलिया की टूवर्ड्स, तो फिर क्या होता है, किनियोसिलिया की टूवर्ड्स मतलब ये जो है ये ओपन हो गया, तो पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ओपन। और ये जो मूवमेंट है, ये जो हमने इधर मूवमेंट कराई है और पोटेशियम चैनल को हमने ओपन कराया है, ये तब ये कब होती है, ये इसके यहाँ पे जो वाइब्रेशन हुई है ना, इसके थ्रू होती है। कौन सी वाइब्रेशन, ये जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन है, जब साउंड वेव आई है, तो नहीं तो पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज ही रहते हैं। अब जब ये जो पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल के ओपन होने से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंडोलिम्फ होता है, और एंडोलिम्फ का कंसेंट बताई थी कि एंडोलिम्फ जो ये जो एंडोलिम्फ है, हाँ, इसमें क्या मैंने क्या बताया था कि पोटाशियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे पोटाशियम की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या बताया था, सोडियम की, तो फिर क्या होता है कि ये जो अभी यहाँ पे पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए, तो यहाँ पे पोटाशियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पोटाशियम इसके अंदर चले जाएगा। अब अगर पोटाशियम अंदर चला गया, तो अंदर क्या हो गई, ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चला गया, तो अंदर पॉजिटिविटी हो गई। अब पॉजिटिविटी क्या कॉज करेगी, डीपोलराइजेशन। तुम ये मान लो कि पोलराइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव, डी मतलब नेगेटिव हटा देना, ठीक है, डी मतलब हटाना, तो फिर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गई डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हो गई तो फिर समझ लो कि हमारी इम्पल्स जानी शुरू जाएगी। अब ये जो है डीपोलराइजेशन हुई, तो इसमें क्या हुआ कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया, उसे हम बोलते हैं कॉक्लियल माइक्रोफोनिक पोटेंशियल, ठीक है, कॉक्लिया में हो रहा है ना ये, तो कॉक्लियल माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। अब क्या है कि ये जो हमारे हेयर सेल्स है ना, इसके साथ कौन से एग्जॉन्स इफरेंट, कौन से किस नर्व के इफरेंट जुड़े होंगे, क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पे इफरेंट जैसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये इफरेंट जो है ये कौन सी नर्व के होंगे, कॉक्लिया से जा रहे हैं, ठीक है, और साथ में कौन से होंगे, बैलेंस के, बैलेंस क्या होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम, तो कौन से, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर से ही जा रहे हैं, और ये कौन सी नर्व है, एट्थ क्लेरिनियल नर्व, एट्थ क्लेरिनियल नर्व के इफ्रेंट जो है, इफ्रेंट के एक्सॉन्स है वो यहाँ से अटैच्ड है, तो फिर यहाँ से कौन सी नर्व जाएगी, एट्थ क्लेरिनियल नर्व बाहर जाएगी। थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर बना दी मैंने, चलो कोई नहीं, विल एडजस्ट। तो ये जो है एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू, जो हमने बोला कि वहाँ से हेयर्स रिसेप्टर से आ रही है, ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा हमने मिड ब्रेन बनाया, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड, नीचे ये हो गए डॉर्सल डॉर्सल न्यूक्लियस और वेंट्रल न्यूक्लियस। डॉर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस किसके, कॉक्लियर, डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आके ये जो इसका जो कॉक्लियल जो पार्ट है इस एट्थ क्रेनियल नर्व का, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट्स है ना, एक तो वेस्टिबुलर कॉम्पोनेंट और एक कॉक्लियर कॉम्पोनेंट, तो इसका जो कॉक्लियर कॉम्पोनेंट है वो डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई में चला जाएगा, और जो वेस्टिबुलर है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो कॉक्लियर न्यूक्लियस में जब जाएगी, तो यहाँ पे वो होएगी क्रॉसिंग होएगी कि इस कान की इसमें चलेगी, इस थोड़ी सी इस कान की इसमें चलेगी, ये करके, तो ये जो क्रॉस सा बनता है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड बॉडी, क्योंकि ट्रेपेजियम सा बन गया ना, काइंड ऑफ, अरे कुछ भी बन गया, ट्रेपेजॉइड बॉडी बोल दिया इन्होंने। अब क्या होता है, अभी इन्होंने अब यहाँ से आए, तो यहाँ से अब फाइबर्स ऊपर जाएंगे, ऊपर एक सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस बैठा है, ठीक है, उसके पास चले जाएंगे। अब यहाँ से जब उसके भी फाइबर्स लेके जब ऊपर चले गए ना, तो इस हम अब कोई ना कोई नाम तो देना ही है हमने ट्रैक्ट को, इतनी सिंपल लाइफ तो देनी नहीं है, तो उसे हम बोल देंगे लेटरल ट्रैक्ट, क्योंकि हमने मीडियल ट्रैक्ट पढ़ लिया ना, मीडियल ट्रैक्ट हमने कहाँ पढ़ा, वही हमने पढ़ा था उसका, कभी उसमें
जब मीडियल मेनिस्कस आता है, यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस क्यूनेटस होते हैं मेडुला में, ठीक है याद है, चलो जो भी है। तो ये लेटरल ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लेटरल ट्रैक्ट बन गया, लेटरल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस बना, लेटरल लेमिनिस्कस यहाँ पे ये कौन है, ये है इन्फीरियर कॉलिकुलर, हमने पता ना मिड ब्रेन में दो होते हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, तो इन्फीरियर कॉलिकुलस में जाके चला गया ये फाइबर्स। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाए, यहाँ पे भी क्रॉसिंग, हर जगह ओलिवरी में भी क्रॉसिंग, बस इनको क्रॉस करना है कुछ भी कर लो। इन्फीरियर कॉलिकुलस में चले गए, अब वहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं, थैलेमस में चले गए, थैलेमस में, अब थैलेमस से कहाँ जाएंगे, एंड और ऊपर क्या ही, क्या ही कर लेंगे ऊपर जाके, और ऊपर कहाँ जाएंगे, कॉर्टेक्स में, कौन सी कॉर्टेक्स होती है, ऑडिटरी वाली, कान कहाँ है तुम्हारे, कौन सी बोन पे, टेम्पोरल बोन पे है तुम्हारे कान, तो कहाँ, कौन सी कॉर्टेक्स में जाएंगे, ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स में, बस सिंपल खत्म, यही था, ये थी उसकी कहाँ तक कैसे, मतलब क्या मतलब, क्या मतलब, पाथवे, हाँ पाथवे। तो फिर ये पाथवे आ गया, हमने जो यहाँ से किया, पीछे हमने क्या किया था, कैसे यहाँ से वाइब्रेशन से हमारा पेरिलिम्फ हिलेगा, पेरिलिम्फ से हमारा हेयर सेल, हेयर सेल से कैसे हमारे कैसे डीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम चैनल कैसे ओपन होते हैं, हमने पढ़ा पोटेशियम कैसे ओपन होते हैं, जब ये मूवमेंट ऑफ सीलिया होएगा टूवर्ड्स द काइनोसीलियम तो फिर ओपन हो जाएंगे, तो फिर उसके ओपन होने से पोटेशियम जो अंदर आ जाएगी, क्योंकि एंडोलिम्फ में ज़्यादा पोटेशियम होती है, उससे डीपोलराइजेशन होएगी, ठीक है। तो बस ये करके हमें हमारा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में बात पहुंच जाएगी कि हमें कुछ सुना है, तो ये हमने ऑडिटरी के बारे में कर लिया। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो, थैंक यू, बाय।